त्योहारी सीजन के नजदीक हमीरपुर बाजार में अतिक्रमण बढ़ गया है और दुकानदारों ने सड़कों पर सामान सजाया हुआ है। हालांकि नगर परिषद ने अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है, लेकिन फिर भी दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। अतिक्रमण से छुटकारा पाने के लिए इस बार नगर परिषद ने दो टूक शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि सामान को जब्त किया जाएगा और कोर्ट में चालान भी दायर किया जाएगा। हमीरपुर के गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक कई दर्जन दुकानों का सामान सड़क पर रखा हुआ है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है तो सड़क भी सिकुड़ रही है, जिसके चलते ही अब नगर परिषद हमीरपुर ने कड़ा रुख अपनाते हुए सामान जब्त करने के साथ कोर्ट में चालान पेश करने की चेतावनी दुकानदारों को दी है, ताकि समस्या का हल हो सके। नगर परिषद के ईओ विनोद कुमार का कहना है कि जिन दुकानदारों ने सामान सड़क पर रखा हुआ है उनसे निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सामान को जब्त किया जाएगा, फिर भी न मानने पर दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा। ये बात ठीक है कि आजकल शहर में कुछ लोग जो हैं, कुछ व्यापारी जो हैं, वो दुकान के बाहर अपनी दुकानें जो है बाहर लगा रहे हैं। इस बारे में मेरी स्टाफ से भी आज प्रातः ही चर्चा हुई कि एक दो दिन के अंदर बाजार में जाके, जैसे आज या पहले उनको वार्निंग वगैरह दें कि वो अपना सामान जो है दुकानों के अंदर रखें, नाली के अंदर ही रखें, नाली से बाहर नहीं रखें, ताकि नाली को भी साफ रखा जा सके और सफाई की जा सके। अगर ये लोग नहीं उसकी पालना नहीं करेंगे तो फिर निकट भविष्य में इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सामान को हटाया जाएगा, उठाया जाएगा, कि इनको चेतावनी दी जाए कि हटा लें। अगर नहीं हटाते हैं तो इनका, जिन्होंने भी दुकान के बाहर लगाया होगा, इनको उठाया जाएगा। अगर फिर भी नहीं मानते तो इनका कोर्ट में चालान जो है दायर किया जाएगा।